चलिए स्टूडेंट्स, नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब कितने स्टेट है मैटर के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन स्टेट में मैटर होती है। कोई भी मैटर हम हमारे आसपास का देख लो तो या तो वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तीन में से कोई भी एक है। तो यहाँ पे हमने उनका कैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो बताया है। सॉलिड का अरेंजमेंट जैसे मैंने बताया था कि टाइटली पैक्ड होता है, बराबर, ये टाइटली पैक्ड है। नेक्स्ट लिक्विड का, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े फार होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं है। और गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम अलग अलग है, एकदम ही दूर दूर तक फैले हुए हैं, दैट इज गैस, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। नाउ इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट तो हमने देखी, अच्छे से समझ भी आ गया कि टाइटली पैक्ड है, लूज पैक्ड है और काफी लूजली पैक्ड है। तो यहाँ पे ये टाइटली पैक्ड है तो उनका कैरेक्टर कैसा है वो चीज हमें समझना है कि वो कैसे होते हैं। टाइटली पैक्ड है, सपोज ये मैंने मार्कर का एग्जांपल आपको दिया है, तो क्या मार्कर किस स्टेट में आता है आप अच्छे से बोल दोगे कि ये सॉलिड में है, राइट? तो सॉलिड तो है, ये लिक्विड नहीं है पता, ये गैस नहीं है पता है, सो इट्स अ सॉलिड। बट ये सॉलिड है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बॉर्ड सॉलिड है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है बट इसका एक डिफाइनिट शेप है। ये शेप से आप बता दोगे कि ये मार्कर है, ये शेप से आप बता रहे हो कि ये व्हाइट बोर्ड है, या नोटबुक के शेप से आप बता देते हो कि ये नोटबुक है। डिफाइनिट शेप क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड होने की वजह से उन्हें एक शेप मिलता है और वो शेप से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सॉलिड मैटर है और ये सॉलिड मैटर में कौन सा मैटर है, वो भी हम उसके शेप से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सॉलिड का मेन पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसे डिफाइनाइट शेप है। क्यों डिफाइनाइट शेप है? बिकॉज दैट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन देयर अरेंजमेंट। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब क्या है? अगर हमने सपोज ये एक डस्टर ले लिया मैंने, ये डस्टर सॉलिड है पता है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है पता है और डिफाइनाइट शेप है पता है, लेकिन डिस्टिंक्ट बाउंड्री क्या है? तो अगर इसे मैं ऐसे रख रही हूँ तो आपको पता है कि ये इतने ही एरिया में कवर है, यहाँ इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री हो चुकी है, ये यहाँ से आगे नहीं फैल रहा है, यहाँ तक सीमित हो चुका, मतलब उसकी बाउंड्री क्लियर हो जाती है कि यहाँ तक ही वो ऑब्जेक्ट या मैटर है, वो सब्सटेंस है। नेक्स्ट, रिजिड। रिजिड मतलब क्या? हमने ये डस्टर या ये मार्कर या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐसे ही रख दिया तो क्या वो फ्लो करने लगेगा अपने आप? नहीं करता है, वो फ्लो नहीं करेगा, उसमें फ्लूइडिटी नहीं है, वो रिजिड है, जहां रखा वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक हम नहीं उठाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा वो वहां से हिलने वाला नहीं है, सो इट्स रिजिड। रिजिड, समझ आया? नेक्स्ट, इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब उसे दबाया नहीं जा सकता, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हो, उस पर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगा रहे हो तो क्या वो दब जाता है और दब के थोड़ा सा उसका शेप क्या चेंज हो रहा है? नहीं, आप अपने पास नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, पेन है, जो भी लेके बैठे हो उसे आप पुश करके देखो, वो सॉलिड है बट कॉम्प्रेसिबल नहीं है, तो सॉलिड सब्सटेंस कॉम्प्रेसिबल नहीं होते, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, डिफाइनाइट वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम भी डिफाइनाइट है बच्चों, कैसे? तो अगर ये डस्टर को यहाँ से उठाकर मैंने किसी बैग में रख दिया, या बैग से निकालकर मैंने टेबल पे रख दिया, या मैंने आपको दे दिया, कहीं पे भी इस डस्टर को या मार्कर को लेके घूमू, इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है? नहीं होगा, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इस डिफाइनाइट वॉल्यूम, सॉलिड की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड तो है, टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट से क्या समझ आ रहा है
कि वो डिफाइनर शेप रखता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री रखता है, इट इज रिजिड, इनकॉम्प्रेसिबल एंड इट हैज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड लिक्विड गैस की आपको याद रखनी है, नोटबुक में मेंशन करनी है, आपको नोट्स बनानी है। जिस भी टॉपिक से लेक्चर हो रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, उसी टॉपिक से आपको नोट्स बनाते जाना है, बोर्ड से आपको लिखते जाना है। अगर बीच बीच में हो सके तो वीडियो पॉज करके आप लिखते जाओ और अपनी नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि सब कुछ मैंने नोट्स में कवर यही सब करवाया है, तो आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हो, तो अच्छे से आप अपनी नोट्स भी क्लियर रखना। लास्ट में मैं आपको लिखने का भी टाइम दे दूंगी। नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड के लिए है कि टाइटली पैक्ड नहीं है, लूज पैक्ड है, उसके मॉलिक्यूल्स लूज पैक्ड है एज कम्पेयर टू सॉलिड, एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे लिक्विड की बात करें, सपोज हम एक वाटर बॉटल की बात करते हैं, सॉरी बॉटल की नहीं, बॉटल में भरे पानी की बात करते हैं, तो नो डिफाइनर शेप, लिक्विड को कोई डिफाइनर शेप नहीं, शेप है बट नॉट डिफाइनर शेप, जिस कंटेनर में डालते हैं उसका शेप वो ले लेता है। अगर हमने बॉटल में पानी भरा है तो बॉटल का शेप, ग्लास में पानी भरा है तो ग्लास का शेप, किसी बाउल में पानी भरा है तो बाउल का शेप, जो कंटेनर में डालोगे उसका शेप वो ले लेगा, मतलब उसको शेप है बट इट्स नॉट अ डिफाइनाइट शेप, उसे हम डिफाइनाइट शेप नहीं कह सकते क्योंकि जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसका शेप बना रहता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, उसे डिफाइनाइट शेप नहीं है। नो डिफाइनाइट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज भी नहीं है। पानी, वाटर बॉटल से पानी अगर हम ऐसे डाल देते हैं तो क्या वो एक जगह पे खड़ा रहता है? नहीं, वो फ्लू हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, मतलब उसको कोई बाउंड्री नहीं है, उसे बांधने रखने वाला कोई नहीं है, पानी या लिक्विड कोई भी बहता रहता है। फ्लूइडिटी सेम थिंग, फ्लो होता है, अगर कहीं से भी पानी गिरा या दूध गिरा, कोई भी लिक्विड गिरा तो वो फ्लो हो जाएगा, वहीं का वहीं पड़ा नहीं रहता। जैसे हमने सॉलिड में डस्टर या मार्कर का एग्जांपल लिया था, यहाँ रखो वहाँ रखो, वहाँ रहता है, फ्लो नहीं होता, इट्स अ रिजिड एंड इट्स एज अ फ्लूइडिटी, वो फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट लो कॉम्प्रेसिबल, लो कॉम्प्रेसिबल है, सपोज हमने पानी सपोज समझ लो कि बलून में भर दिया तो थोड़ा थोड़ा सा दबता है, लो कॉम्प्रेसिबल होता है, अगर जोर से दबा दिया तो फूट जाएगा, निकल जाएगा, बट ये थोड़ा थोड़ा सा दबता है, लो कॉम्प्रेसिबल है एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। और डिफाइनाइट वॉल्यूम कैसे है, एक लीटर की वाटर बॉटल ले ली हमने और वो एक लीटर पानी सपोज हमने किसी कंटेनर में डाल दिया तो उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका शेप चेंज हो जाएगा कि बॉटल से लेके वो कंटेनर का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा, जितना एक लीटर बॉटल में पानी था उतना ही पानी वो कंटेनर में एक लीटर ही रहेगा, सो इट हैज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। यहाँ पे आपको याद रखना है, सॉलिड में डिफाइनाइट शेप भी है, डिफाइनाइट वॉल्यूम भी, लिक्विड में डिफाइनाइट शेप नहीं है बट डिफाइनाइट वॉल्यूम है। सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस पूछा जाता है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्लियर? नो डिफाइनाइट शेप, नो डिफाइनाइट बाउंड्रीज, फ्लूइडिटी, लो कॉम्प्रेसिबल एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। सॉरी, लिक्विड समझ आ गया। नेक्स्ट गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, मतलब के एकदम अलग अलग, एकदम दूर दूर, बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए, तो नो डिफाइनाइट शेप, दूर दूर तक फैले हैं, मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफाइनाइट शेप नहीं है, ऑब्वियसली डिफाइनाइट बाउंड्रीज नहीं है, नो डिफाइनाइट बाउंड्रीज। फ्लूइडिटी है दूर दूर, जितने दूर, एज लिक्विड में भी फ्लूइडिटी है, इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास है फिर भी फ्लूइडिटी है, तो इसमें तो फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे दूर दूर मॉलिक्यूल है। अगर हम घर में कहीं अगरबत्ती या कुछ करते हैं तो उसकी स्मेल विद इन 2 सेकेंड पूरे रूम में आ जाती, क्यों? क्योंकि वो एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर तक फैले होते हैं, तो जितने जितनी जगह तक फैलेंगे वो अपना वो फ्रेग्रेंस छोड़ता जाएगा, तो फ्लूइडिटी है। हाईली कॉम्प्रेसिबल, अगर हमने बलून में गैस भरा है तो वो जोर से भी दबाते हैं तो काफी तक दबता है, तो वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल रहते हैं। हम व्हीकल्स के टायर और उसकी भी देखते हैं तो वो कॉम्प्रेसिबल रहता है, थोड़ा दब के भी चेक होता है। नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसमें डिफाइनाइट वॉल्यूम नहीं है, वो किसी भी
वॉल्यूम में, सपोज हमने किसी भी कंटेनर में या बॉटल में, सपोज ऑक्सीजन के बॉटल्स आते हैं, तो ऑक्सीजन के बॉटल में ऑक्सीजन भरा हुआ है, लेकिन वो ऑक्सीजन के बॉटल को खोल के अगर रख दे तो क्या उतना ही वॉल्यूम रहता है उसका? नहीं, वो पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे एयर में फैल जाता है, तो उसका वॉल्यूम उतना नहीं रहता है जितना वो बॉटल में रहता है। तो नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, यहाँ पे ये चीज खास याद रखना, डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वॉल्यूम, नो डिफाइनाइट शेप बट डिफाइनाइट वॉल्यूम, नो डिफाइनाइट शेप एंड नो डिफाइनाइट वॉल्यूम। क्लियर? सॉलिड लिक्विड गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी अरेंजमेंट, ये डिफरेंस पूछा जाता है, ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखना है। और यहाँ पे आप अपनी नोट्स लिख के वीडियो पॉज करके लिख देना और रेडी कर देना, नोटबुक मेंशन करनी है, नोटबुक को मेंटेन भी रखना है, क्योंकि जब भी क्लास ये ओपन होंगे हमें नोटबुक लिखने का टाइम नहीं मिलने वाला। अभी आपके पास टाइम है, इसे कम्प्लीट करो।